आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भगवान महावीर के 2621वें जन्म दिवस को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, जैन धर्मावलंबियों ने पूरी निष्ठा से की पूजा अर्चना। आपको बता दें कि भगवान महावीर के 2621वें जन्म उत्सव को लेकर जैन धर्मावलंबियों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं भागलपुर मड़वाड़ी टोला स्थित जैन मंदिर से भगवान महावीर के भक्तों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के द्वारा कोतवाली चौक पर भगवान महावीर की आरती किए जाने के बाद 108 रजत कलशों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। वहीं प्रभात फेरी के दौरान महिलाएं भजन गीतों पर झूमती दिखी। इस दौरान दिगंबर जैन समाज के बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रभात फेरी में शामिल हुए। वहीं पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर लोगों को बधाई देते हुए ईश्वर से भागलपुर सहित पूरे देश के लिए मंगल कामना की। पर दिगंबर जैन समाज के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था और आज उस अवसर पर मैं भी सम्मिलित हुई। इसमें महिलाएं, युवक, समाज के बुजुर्ग, अभिभावक जन और बच्चे भी शामिल थे। आज मैं अपनी ओर से सभी जैन समाज के सभी लोगों को और समस्त भागलपुर वासियों को भगवान महावीर के जन्मोत्सव की बहुत बधाई देती हूँ। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण कोई भी आयोजन नहीं संभव हो पा रहा था, लेकिन कोरोना के घटते प्रभाव से अब समाज में हर प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। ये खुशी की बात है और ईश्वर करे कि सबों की खुशी यूं ही बरकरार रहे और लोग अपने सभी इस प्रकार के आयोजनों को धूमधाम से मनाएं। मेरी ओर से पुनः भगवान महावीर के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।